15 मार्च 2024 को ब्लूमबर्ग में गौतम अडानी की अमेरिकी जान से जुड़ी एक खबर छपी। तब इसे खारिज करते हुए अडानी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि हमें अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी जांच की जानकारी नहीं है। उस वक्त ये बात वहीं दब गई, लेकिन अब 21 नवंबर 2024 को अमेरिका में एक पर्दाफाश हुआ। महज एक दिन में गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब 1,00,000 करोड़ रुपए घट गई। केन्या ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द कर दी। एक तरफ अमेरिका में जहां वारंट जारी होने की खबरें हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में भी उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। दरअसल 17 मार्च 2023 से ही अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस मामले की जांच कर रही है। FBI ने अमेरिका में सागर अडानी के ठिकानों पर छापा भी मारा था, लेकिन इस मुद्दे को अडानी ग्रुप ने दबा दिया था। अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के मुताबिक 18 मार्च 2023 को सागर अडानी से पूछताछ भी की गई। इसके बावजूद 19 मार्च 2024 को अडानी समूह ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को गलत जानकारी दी। अडानी ने नोटिस की बात को छिपा दिया, जिससे उन्हें फंड मिलने से परेशानी ना हो। दरअसल अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के मुताबिक सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ने देश में 12 गीगावाट की एनर्जी की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। आपको बता दें, SECI भारत सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जिसका उद्देश्य देश में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाना है। दिसंबर 2019 में और जुलाई 2020 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL और एक विदेशी फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया था, जिसके बाद उन्हें लेटर ऑफ अवार्ड LOA जारी कर दिया गया। हालांकि इसके बाद एक दिक्कत आ गई। AGEL और विदेशी फर्म से खरीदी बिजली के लिए SECI को ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ऐसे में वो AGEL और विदेशी फर्म से बिजली ना खरीदने के चलते अडानी की कंपनी और विदेशी फर्म को घाटा हो जाता। अब अगर हम बात करें आरोप पत्र की, तो उसके मुताबिक गौतम अडानी ने विनीत जैन और अपने भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों के साथ मिलकर अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची, जिसे राज्य सरकारें SECI के साथ पावर सेल अग्रीमेंट कर लें और उनके सोलर पावर अग्रीमेंट को खरीदार मिल जाए। आरोप पत्र के मुताबिक गौतम अडानी ने आंध्र प्रदेश के किसी बड़े अधिकारी से 7 अगस्त 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच कई बार मुलाकात की, ताकि आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशनल कंपनी APEPDCL और SECI के बीच सोलर पावर अग्रीमेंट का करार हो जाए। इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच अग्रीमेंट हो भी गया। AGEL और विदेशी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, जम्मू कश्मीर की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशनल बोर्ड ने बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। 66 आरोपियों ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 200 करोड़ रुपए रिश्वत देने की योजना बनाई गई। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा किया, जो कि अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का उल्लंघन है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी न्याय विभाग के डॉक्यूमेंट्स में रिश्वत ऑफर करने और प्लानिंग की बात कही गई। 20 नवंबर 2024 को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और ये मामला सबके सामने आया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ वारंट जारी किया गया। अडानी ग्रुप के खिलाफ पूरा मामला अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। इस मामले को अमेरिकी अदालत में 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। इसे अडानी ग्रुप को अगले 20 साल में कथित तौर पर $2 अरब का फायदे का अनुमान भी है। अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल ने अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है, लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर रिश्वत भारत में दी तो कार्रवाई अमेरिका में क्यों? देखिए, अमेरिकी कानून अभियोजकों को भारतीय अधिकारियों पर विदेशी रिश्वतखोरी का आरोप लगाने की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत की जो भी कंपनी अमेरिका में व्यापार करती है तो वो अमेरिका कानून के दायरे में आ जाती है।
वहीं अगर अडानी भारत में है तो अमेरिकी अभियोजकों को दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के तहत भारत सरकार से उति प्रत्यर्पण करने के लिए कहना होगा। इसका मतलब अमेरिका को भारत से दोषी व्यक्ति यानी अडानी को वापस भेजने का अनुरोध करना होगा ताकि वो आरोपी पर मुकदमा चला सके। अगर अडानी को इस मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें कई सालों की जेल के साथ साथ आर्थिक दंड का भी भुगतान करना पड़ सकता है। अडानी को विदेशी रिश्वतखोरी के लिए 5 साल तक की जेल और प्रतिभूति धोखाधड़ी न्याय में बाधा पहुंचाने और साजिश के आरोप में 20 साल तक की जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए 12 सदस्यीय जूरी को अडानी को दोषी ठहराने के लिए सर्वसम्मति से मतदान करने की जरूरत होगी। सूत्रों के मुताबिक अरबपति कारोबारी गौतम अडानी से जुड़े मामले में अमेरिका के अंदर अरेस्ट वारंट जारी होने की पुष्टि भी हो गई है। साथ ही अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर इस वारंट को अनसील भी कर दिया गया है। वारंट को इसलिए अनसील किया गया है ताकि विदेशी कानून परिवर्तन को ये दस्तावेज मुहैया कराया जा सके। ऐसी तमाम बड़ी और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।